जकार्ड डिस्टेंस के ऊपर हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा हम इसीलिए करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जकार्ड डिस्टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। जकार्ड डिस्टेंस का इस्तेमाल हम दो सेट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सेट्स का मतलब क्या होता है, देखो ये सेट है, ये सेट है, तो सेट का मतलब ये होता है, आपने आपके मैथ्स में या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में सेट्स का मतलब क्या होता है वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैटर नहीं करता, अभी मैंने बता दिया है। एनीवे, अब थ्योरी के ऊपर जंप करता है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जकार्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इज डिफाइंड एज दिस। इसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन माइनस दिस। अब ये दिस क्या है, इसको हम जकार्ड सिमिलैरिटी कहते हैं। अब जकार्ड सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज जकार्ड सिमिलैरिटी ओके विच मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ टू सेट्स। मतलब जकार्ड सिमिलैरिटी की मदद से हम दो सेट्स के बीच में का क्लोजनेस मेजर कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है जकार्ड डिस्टेंस जो कि इसके मदद से कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा है जकार्ड सिमिलैरिटी जो कि ये है। मतलब बेसिकली अगर हमें जकार्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जकार्ड सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जकार्ड सिमिलैरिटी का एक अलग से फॉर्मूला होता है विच इज़ दिस। ये जकार्ड सिमिलैरिटी का फॉर्मूला होता है ओके। एनीवे, ये तो समझ गया आपको, अब हम प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। अभी क्या है हमारा प्रॉब्लम, कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, इवेल्यूएट हाउ सिमिलर आर ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड जकार्ड डिस्टेंस। अभी यहाँ पे जकार्ड सिमिलैरिटी का फॉर्मूला है विच इज दिस। अब इसमें हम कैसे वैल्यूज डालेंगे, देखो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, तो अभी यहाँ पे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कितने टर्म्स कॉमन है। तो यहाँ पे वन कॉमन है, देखो टू कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब बेसिकली दो टर्म्स कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है। देन ए में कितने टर्म्स है, तीन टर्म्स है, प्लस बी में कितने टर्म्स है, चार टर्म्स है, एक दो तीन चार, राइट चार, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, टू। सॉल्व कर देंगे, टू अपॉन थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन एंड सेवन माइनस टू दैट इज फाइव, सो दैट इज टू अपॉन फाइव, और टू अपॉन फाइव को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.4। तो बेसिकली अभी ये जकार्ड सिमिलैरिटी आ चुका है, मतलब बेसिकली ये वाला टर्म आ चुका है, बट अभी भी जकार्ड डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट हुआ है। जकार्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, सो अभी जकार्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन माइनस एम एक्स कॉमा वाई। इसको आप डायरेक्टली मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, जकार्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू वन माइनस जकार्ड सिमिलैरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो जकार्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू वन माइनस दिस एंड देन इसके जगह पे ये डाल दिया, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप लोग करना है वैसे कर सकते हो। सो वन माइनस इसका वैल्यू क्या था, 0.4, सो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, एंड वन माइनस 0.4 इज 0.6, एंड ये आपका जकार्ड डिस्टेंस आ गया, ये आपका जकार्ड सिमिलैरिटी था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। यह हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके मैंने रखे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे। और अगर आपको नोट्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डिटेल्स मैंने दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।